हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। तो आज मैं आप लोगों को मात्र 3 रुपये वाले प्लान लेके आई हूँ, और दर्जन में लीजिएगा तो मात्र ये आपको 2 रुपया पड़ेगा। प्लान की ग्रोथ देख ही सकते हैं, मैं एक बार दिखा देती हूँ। और समर के जितने भी खूबसूरत सीजनल प्लांट हैं और कुछ रेयर प्लांट हैं जो आगे मैं शेयर करूँगी, और जो जाते होंगे उनको मालूम होगा कि यहाँ के प्लांट कितने अच्छे होते हैं और कितने सस्ते होते हैं। तो दर्जन में लीजिएगा तो ये मात्र आपको 2 रुपया पड़ेगा, यानी आप ये 30 रुपये में 12 प्लांट ले जा सकते हैं, यानी एक दर्जन आपको मिल जाएगा। तो आज मैं आप लोगों से रमई नर्सरी शेयर करूँगी, जो कि पुस्ता रोड वाली साइड है। जो जाते होंगे उनको पता होगा, और एड्रेस और फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कुछ प्रॉब्लम हो एड्रेस के बारे में या प्लांट के बारे में पूछना हो तो इनसे बात कर सकते हैं नंबर से, ये आपको प्लांट के बारे में, क्योंकि इनके यहाँ होलसेल भी प्लांट मिलता है। और कुछ खूबसूरत इनके यहाँ आपको रेयर प्लांट भी दिखने को मिल जाएंगे, जो कि दाम बहुत ही रिजनेबल रेट में ये दे रहे हैं। तो वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखा जाए तो कुल मिला के बहुत खूबसूरत कलेक्शन है, स्पेशली समर के सीजनल प्लांट बहुत ही सुंदर और हेल्दी आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो ज़रूर यहाँ एक बार विजिट कीजिएगा, बहुत ही रिजनेबल रेट में ये आपको प्लांट मिल जाएंगे। और जितने भी समर के फूलों वाले पौधे हैं आपको ये दिखने को यहाँ मिल जाएगा। ये बालसम है और देख ही सकते हैं प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, पैसा वसूल प्लांट है। एक बार ले जाइएगा तो दोबारा ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देख ही सकते हैं कितने सारे इनके प्लांट ग्रो हो रखे हैं, यानी कि बीजों से बहुत इजी से प्लांट ग्रो हो जाते हैं। और ये आप यहाँ से 3 रुपये में एक प्लांट ले जाइएगा, और दर्जन लीजिएगा तो आप ये 30 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। उसके बाद देखिए सनफ्लावर है, सनफ्लावर भी आपको यहाँ 3 रुपये में मिल जाएगा, 3 रुपीज़ में, और इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और ये हाइब्रिड वाली वेराइटी है जो कि छोटे में ही आपको फूल देगी। तो सनफ्लावर बहुत ही खूबसूरत समर का फ्लावरिंग प्लांट है, और ये भी बीजों से ग्रो होता है। तो एक बार लगा लीजिएगा तो बीज कलेक्ट करके नेक्स्ट ईयर फ्री में ग्रो कर सकते हैं। इधर देखिए, इधर कॉस्ट कम है, देसी वाला कॉस्ट कम है, और ये आपको येलो है और रेड ऐसे तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ उसके जो ब्रांचेज होते हैं उससे पता चल जाता है। तो येलो रेड आपको या आपको पिंक कलर होगा, क्योंकि रेड ये और पिंक कलर एक ही स्टेम होते हैं। तो आप यहाँ कॉस्कम भी ले जा सकते हैं। कोचिया देख ही सकते हैं, कोचिया भी समर का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। पतली पतली इसकी खूबसूरत पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत लुक देती है, एक बॉल नुमा शेप ले लेता है, और बहुत ही खूबसूरत समर का ये प्लांट है। ये भी आप यहाँ 3 रुपये में ले जा सकते हैं। बहुत सारे इन्होंने सीडलिंग लगा रखे हैं, देख ही सकते हैं, और जिनमें से आप वेजिटेबल्स प्लांट की भी सीडलिंग ले जा सकते हैं। मैं आगे आप लोगों से शेयर कर दूँगी, अभी ये लगा ही रहे हैं। और भी जाइएगा तो बहुत सारे कलेक्शन आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। और देखिए ये सारे कुछ इनके वेजिटेबल्स प्लांट लग रहे हैं। और इधर कॉस्मोस है, कॉस्मोस की भी अच्छे ग्रोथ है। ये भी सीड से बहुत इजी से ग्रो हो जाता है। इसमें येलो और जो रेड कलर होता है वो कॉमन कलर होता है, जो कि आपको मेरे ख्याल से यही होंगे। और इनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो जितने भी इनके समर के सीडलिंग हैं बहुत ही अच्छी ग्रोथ में आपको मिल जाएंगे। जीनिया है, ये जीनिया देख ही सकते हैं, इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और जो इनकी जो बीजों की जो वेराइटी है बता रहे थे हाइब्रिड वाली है, यानी कि बहुत अच्छी मात्रा में छोटे में ही इनमें फ्लावरिंग होगी। तो ये पुस्ता रोड वाली साइड में है, पर्यावरण नर्सरी जो जाती होंगे उनको पता होगा। उस साइड में मेट्रो स्टेशन, मयूर विहार मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 से किसी से भी पूछिएगा पुस्ता रोड वाली लाइन कौन सी है, तो वो बता देंगे, जमुना खादर लाइन। ऐसे एड्रेस तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, फ़ोन नंबर भी दे दूंगी। और जो इनके जो पॉली बैग में लगे हैं ये मॉस रोज और पोसुलिन, वो आपको 20-20 रुपीज़ में मिल जाएगा। कलर इनके पास सारे हैं। और आपको यहाँ एक और ख़ास बात दिखने को मिलेगी, बहुत सारी नर्सरियों में देसी वाला मॉस रोज दिखने को नहीं मिलेगा, इनके यहाँ देसी वाला दिखने को मिलेगा। और देसी वाला बहुत कम ही दिखता है, और ये बता रहे थे
इनमें येलो वाइट रेड पिंक कलर मिल जाएगा। तो जो देसी वाला मॉस रोज ले जाना चाहते हैं यहाँ से ले जा सकते हैं। और इनके यहाँ डबल पेटल अपराजिता भी मिल जाएगा, ये भी पैकेट में 20 रुपीज़ में है और ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो डबल पेटल अपराजिता, और ये मेरे ख्याल से बता रहे थे ब्लू कलर में है, तो फ्लावर आने के बाद ही पता चलेगा। कुछ इनके भिंडी के हैं और कुछ कद्दू के बेल हैं और कुछ पपीता के हैं। तो वेजिटेबल्स भी इन्होंने छोटे से पॉली बैग में लगा रखे हैं, जिनकी प्राइस 20 रुपीज़ में है। तो इनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, और भी उनके यहाँ सैटरडे संडे प्लांट आने वाले थे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और पॉली बैग में आपको 20 रुपीज़ में देसी रोज मिल जाएगा, जो पिंक कलर वाला होता है। कुछ पॉट में लगे हुए हैं, तो पॉट वाला के अलग दाम है। जरेनियम भी है, और इधर ये कुछ सीजनल प्लांट है, तो अब ये ख़राब हो रहे हैं। पुदीना है, पुदीना भी आप यहाँ से 20 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। खूफिया है, ये आप यहाँ से 20 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। छोटे छोटे पिंक कलर के इसमें फ्लावर आते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है। तो छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं। परमानेंट प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है, ये भी आप यहाँ से 20 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। बहुत बड़े पॉली बैग में ये आपका ये लेमन ग्रास लगा हुआ है। थोड़े से ठंड में इसकी हालत ख़राब हो गई है, लेकिन इसके बीच बीच में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है, तो आप इसे ले जा सकते हैं। अब इसकी ग्रोथ पीरियड है, इसमें पानी डालिएगा तो अच्छा हो जाएगा। और इसमें देखा जाए तो कम से कम 10 से 15 प्लांट लगे होंगे। बहुत मोटा बड़ा पॉली बैग में लगा हुआ है, तो लेमन ग्रास ज़रूर लगाइएगा, बहुत अच्छा होता है। सुबह इसको पानी में बॉयल करके पीजिएगा तो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो वैसे तो यहाँ तोड़फोड़ के कारण कुछ इन्होंने रखा नहीं है, लेकिन हाँ बता रहे थे कि सैटरडे संडे बहुत सारी वेराइटी आएगी, जो कि आप देख सकते हैं। आप उनको बोल भी सकते हैं, आप अगर आपको बल्ब चाहिए तो फ़ोन से बल्ब वगैरह आप ले सकते हैं। ये देखिए पपीता के इन्होंने कुछ पॉट में लगा रखे हैं, कुछ पॉली बैग में भी है। और ज़्यादा वैरायटी देखने के लिए आपको इनके दूसरे ब्रांच गीता कॉलोनी जा सकते हैं, आप वो एड्रेस बता देंगे, वहाँ ज़रूर जाइएगा। एक से एक वैरायटी वहाँ रखी हुई है, और ज़्यादातर नॉर्मल गार्डन सॉइल में इनके द्वारा ही लगाया हुआ प्लांट है। ये कोबरा फर्न है, और ये आप 500 में ले जा सकते हैं, जो कि ये बहुत कॉस्टली आता है। और देखिए कितना इसके पत्ते बिल्कुल कोबरा की तरह है, कोबरा सांप की तरह, और बहुत बूशी प्लांट है। तो ऐसे प्लांट आप बहुत सारे मंगा सकते हैं, इनकी गीता कॉलोनी में इनके प्लांट रखे हुए हैं, आप इनसे बात कर लीजिएगा। 200 में देखिए लिपस्टिक एग्लोनिमा है, कम से कम 6-7 प्लांट लगे हुए हैं, प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और ज़्यादा प्लांट लेने पर ये दाम कम कर देते हैं, तो जो इनके यहाँ जाते होंगे उनको मालूम होगा। और इधर इनके यहाँ कुछ जो लकी बम्बू जो हम रूम में रखते हैं वो रखा हुआ है, जो कि बहुत ही रिजनेबल रेट में मिल जाएगा। 2 और 3 लेयर में ऐसे कुछ है, तो 2 लेयर वाला 100 में और 3 लेयर वाला आपको 150 में मिल जाएगा। तो देख ही सकते हैं बहुत सारा लकी इसे मानते हैं, टेबल पर रखते हैं और बहुत शुभ मानते हैं, तो यहाँ से ले जा सकते हैं, बहुत सारा इसका स्टॉक रखा हुआ है। इनके पास और भी बहुत सारा यूनिक रेयर प्लांट अगर चाहते हैं, और बहुत लोग रेड सॉइल में नहीं लगाना चाहते हैं, तो इनके यहाँ खुद का तैयार किया जाता है, तो आप वहाँ से जाके गीता कॉलोनी से ले जा सकते हैं। देखिए बोनसाई है, कितना खूबसूरत है, चाइनीज़ ट्री है ये, और ये आपको मात्र 500 में मिल जाएगा। इसमें 5 से 6 प्लांट लगे हुए हैं, प्लांट की ग्रोथ देख ही सकते हैं, बहुत लकी प्लांट मानते हैं इसे, घर के लिए शुभ मानते हैं। तो अभी 1-2 प्लांट यहाँ रखे हुए, आप इनको ऑर्डर दे सकते हैं, ये आपके लिए लाके दे देंगे। ऐसे यहाँ भी इन्होंने कुछ प्लांट रखे हुए हैं, तो देखा जाए तो बहुत ही सुंदर कलेक्शन है। आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, और भी इनको आपको रेयर और कुछ नॉर्मल गार्डन सॉइल में अगर इनके पास प्लांट चाहिए इनसे, तो आप इनसे मंगवा भी सकते हैं, फ़ोन से बात भी कर सकते हैं। यहाँ बर्ड नेस्ट फंड भी रखा है, ये भी आप 500 में ले जा सकते हैं। तो वहाँ जाइए, देखिए बहुत अच्छा कलेक्शन है, और उनसे फ़ोन से बात कर सकते हैं और प्लांट के लिए। थैंक यू।